कहानी की शुरुआत में हमें एक स्कूल वैन को सुनसान सड़क पर चलते हुए दिखाया जाता है। इसी के साथ फिर हम देखते हैं कि उसी सड़क के किनारे एक व्हाइट कलर की वैन खड़ी हुई होती है और वह गाड़ी इसलिए खड़ी होती है कि उसका टायर पंचर हो गया है और उस गाड़ी में जो लड़की बैठी होती है वह अपने होने वाले पति किम सू से बात कर रही होती है। तभी वह वैन का ड्राइवर उसके पास में आता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम इतनी रात में यहाँ पर क्या कर रही हो। फिर वह लड़की उसे बताती है कि मेरी कार का टायर पंचर हो गया है और मैंने कार मैकेनिक को भी फोन कर दिया है और वह किसी भी वक्त यहाँ पर आता ही होगा। लेकिन वह आदमी फिर भी जिद करता है कि मैं तुम्हारी कार का टायर देख लेता हूँ, जहाँ पर उस लड़की का मंगेतर उसे अलर्ट रहने को बोलता है और कहता है कि अपना ख्याल रखना। जिसके बाद में वह लड़की का मंगेतर अपने फोन को वाइब्रेशन मोड पर लगा देता है क्योंकि वह एक मीटिंग में होता है। और उधर वह ड्राइवर वापस से आता है जो उसे बताता है कि उसका टायर बिल्कुल खत्म हो चुका है। इसके बाद में लड़की कहती है कि मदद के लिए धन्यवाद, अब आप यहाँ से जा सकते हैं क्योंकि कुछ ही देर में मेरा कार मैकेनिक भी यहाँ पर आ जाएगा। फिर वह आदमी जाकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है लेकिन वह अपनी गाड़ी को बहुत देर तक स्टार्ट नहीं करता बल्कि गाड़ी को लेकर वहीं पर खड़ा रहता है, जिससे उस लड़की को उस पर शक होने लगता है। और इससे पहले कि वह उस खतरे को जान पाती तब तक वह लड़का उसकी कार पर हथौड़े से वार कर देता है और शीशा तोड़कर गाड़ी के अंदर बैठी लड़की को जख्मी भी कर देता है। जिसके बाद में आदमी उस लड़की को घसीट कर अपने साथ ले जा रहा होता है और जब वह लड़की होश में आती है तो वह उस आदमी को देखकर समझ जाती है कि वह आदमी उसे मारने वाला है। फिर वह लड़की उस आदमी से अपनी और अपने होने वाले बच्चे की भीख मांगती है क्योंकि वह लड़की प्रेग्नेंट होती है और वह वहाँ पर हो रहे सारे खतरे को भाप जाती है। लेकिन वह आदमी उसकी एक भी नहीं सुनता और उसके बाद उसके हाथ पैर बांध देता है, जिसके बाद में वह उसे एक दर्दनाक मौत देता है जहाँ पर उसके बॉडी के पार्ट्स को अलग करके काट देता है। फिर कुछ दिन बाद गुजरने के बाद पुल के नीचे खेल रहे बच्चे को एक कटा हुआ कान मिलता है जिस पर वह पुलिस को सूचना दे देते हैं और फिर वहाँ पर पुलिस का जमावड़ा इकट्ठा हो जाता है और बहुत ज्यादा खोजने पर पुलिस को उस लड़की के बॉडी पार्ट्स एक सीवर की लाइन से मिलते हैं। फिर हम यहाँ पर इस लड़की के फादर को देखते हैं जो कि एक डिटेक्टिव होते हैं जो कि बहुत ज्यादा आहत और दुखी होते हैं क्योंकि एक डिटेक्टिव और पिता होने के नाते वे अपनी बेटी को नहीं बचा पाए। और इसी के साथ उसका मंगेतर किम सू जो कि उसे बहुत प्यार करता था पर उससे अपनी कभी भी फीलिंग शेयर नहीं करता था, वह वहाँ आकर एकदम से सोक्ड रह जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि किम सू अपने ऑफिस से 2 हफ्तों की छुट्टी ले लेता है जो कि नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस में एजेंट होता है। फिर मूवी के अगले सीन में हम किम सू को एक एजेंट से मिलते हुए देखते हैं जो कि उसे खास कैप्सूल देता है और कहता है कि अगर ये किसी के बॉडी के अंदर चला जाए तो उसकी सारी बातें और लोकेशन हमें पता चल सकती है। फिर उसके बाद में किम सू अपनी मंगेतर के पिता से मिलता है जो कि एक डिटेक्टिव होते हैं और वह किम सू को ऐसे लोगों के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं जो पहले ऐसे केसेस से रिलेटेड रह चुके हैं। फिर किम सू उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि किम सू उन लोगों को ढूंढने की कोशिश करता है जहाँ पर वह 2 लोगों को पकड़कर उन्हें बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करता है और उसे पता चलता है कि इन दोनों में से कोई भी इन्वॉल्व नहीं था। फिर वह उस तीसरे आदमी की तरफ बढ़ता है और उसके एड्रेस पर पहुंच जाता है। फिर वह उसकी जगह पर पहुंच कर सारी जगह की तलाशी लेता है जहां पर उसे उसकी ड्रॉअर से लड़कियों का कुछ सामान मिलता है और बाकी तलाशी के दौरान किम सू को अपनी मंगेतर की रिंग भी मिल जाती है और उस अंगूठी को देखकर किम सू बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। लेकिन उसको यह भी कंफर्म हो जाता है कि यह घर उसी हत्यारे का है। फिर मूवी में सीन शिफ्ट होता है और हमें किलर दिखाया जाता है जो कि अपनी स्कूल की वैन में कुछ लड़कियों को लेकर कहीं जा रहा होता है और उस किलर का नाम जेंग होता है और कार में मौजूद जेंग एक लड़की को पसंद करता है इसलिए नहीं कि वह उसे अच्छी लगती है बल्कि उसे पकड़ने के लिए। और फिर हम देखते हैं कि वैन में से एक लड़की मिसिंग होती है जिसे जेंग अपने घर ले आता है और जब वह उस लड़की की तरफ बढ़ ही रहा होता है तो पीछे से आकर कोई उसे आवाज देता है जहाँ पर वह जेंग जेंग बोलकर चिल्लाता है। फिर जेंग अपना नाम सुनकर बाहर की तरफ आता है जहाँ पर जेंग किम सू से पूछता है कि क्या तुम अकेले हो। इस पर किम सू बिल्कुल खामोश रहता है जिसके बाद में जेंग को लगता है कि वह एक पुलिस ऑफिसर है लेकिन वह हैरान होता है इस बात पर कि कोरियन पुलिस ने उसे इतनी जल्दी कैसे पकड़ लिया। जिसके बाद में जेंग बिना किसी देरी के जोर जोर से चिल्लाते हुए किम सू पर हमला करने के लिए भागता है लेकिन वह किम सू पर हमला नहीं कर पाता, उल्टा किम सू उसे बहुत बुरी तरह मारता है और जेंग भी किम सू को मारता है लेकिन वह ज्यादा बुरी तरह से नहीं मार पाता। और लड़ाई करते वक्त किम सू जेंग का मुंह एक प्लास्टिक कवर से बंद कर देता है और जब वह मरने ही वाला होता है तो किम सू उसे छोड़ देता है। फिर दोबारा वह जेंग को पकड़कर एक बड़े से पत्थर में देकर मारता है और तभी उसे कुछ याद आता है इसलिए वह उसे छोड़ देता है, जिसके बाद में जो कैप्सूल उसके पास में होता है वह उसके मुंह के अंदर डाल देता है। फिर जब जेंग को होश आता है तो वह अपने पास कुछ पैसों को देखता है और उन पैसों को देखकर वह बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है जिस पर उसे लगता है कि किम सू दिमागी तौर पर बीमार है और वहाँ से उठकर वह चला जाता है। जाते वक्त उसे रास्ते में कैब मिलती है जिससे वह लिफ्ट मांगता है लेकिन वह टैक्सी वाले भी उसी की तरह हरामी होते हैं जो किसी को मारकर उसे फेंकने जा रहे होते हैं, यानी कि
उनकी कार की डिग्गी में एक लाश होती है जिसे वे ठिकाने लगाने जा रहे होते हैं। और फिर हमें मूवी में दिखाया जाता है कि किम सू जेंग का पीछा कर रहा होता है उस ट्रैकर की मदद से जो उसने उसके मुंह में डाल दिया था। फिर जेंग जख्मी होता है तो वह एक हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पर उसकी नजर एक लड़की पर पड़ जाती है जो वहाँ पर नर्स होती है, जिसके बाद में जेंग उस नर्स को गलत तरीके से ट्रीट करना शुरू कर देता है जहाँ पर वह उसे गिड़गिड़ाते हुए बोलते कि उसे यहाँ से जाने दे। लेकिन जेंग एक साइको होता है और वह उसे कहीं भी नहीं जाने देता। और इतने में वहाँ पर किम सू आ जाता है जो उसके सर पर वार करता है, जिसके बाद में उन दोनों की आपस में बहुत तगड़ी लड़ाई होती है। और जब जेंग अधमरा हो जाता है तब किम सू जेंग को छोड़ देता है जहाँ पर वह उस नर्स से कहता है कि तुम इसकी पट्टियाँ करोगी। और फिर किम सू जेंग के कानों में कहता है कि यह अभी खत्म होने वाला नहीं है बल्कि अभी और भी ज्यादा भयानक होगा, बस तुम इंतजार करो। उसके बाद में किम सू जेंग के घाव में कैंची घुसा देता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि जेंग एक गाड़ी से रेंगता हुआ नीचे उतरता है क्योंकि उसके पांव बहुत बुरी तरह जख्मी होते हैं, जहां पर वह बहुत बुरी तरीके से रो रहा होता है। फिर वह किम सू के बारे में सोचने लगता है कि उसे उसके बारे में हर बार कैसे पता चल जाता है और वह कौन है और उसे क्यों मार रहा है। फिर उसके बाद में उसे खुद ही ख्याल आता है कि शायद वह उनमें से किसी एक का करीबी है जिसको उसने मारा था। और यहां पर हमको यह भी दिखाया जाता है कि जेंग को शक हो गया है कि शायद उसके पास में कोई ट्रांसमीटर है। उसके बाद में वह अपने जूते और गाड़ी को चेक करता है लेकिन उसे वहां पर कुछ भी नहीं मिलता, जिसके बाद में वह उठकर अपनी गाड़ी को लेकर कहीं दूर निकल जाता है और आधे रास्ते में पहुंचकर अपनी गाड़ी को चेंज करता है। फिर हमें किम सू दिखाया जाता है जहां पर उसे अपने मंगेतर के पिता की कॉल आती है जहां पर वह रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम किलर को ढूंढना बंद कर दो और उन किलर के साथ में जो कुछ भी करना होगा वह पुलिस करेगी। लेकिन किम सू ऐसा नहीं करना चाहता था, वह तो उसे तड़पा तड़पा कर मारना चाहता था। फिर हमें उधर जेंग के घर में उसके दोस्त दिखाई देते हैं जिनमें एक लड़का और एक लड़की होती है और वह दोनों भी जेंग की तरह ही होते हैं, जहां पर जेंग अपने साथ में होने वाली दुर्घटना की सारी कहानी सुनाता है। इसके बाद जेंग के दोस्त कहते हैं कि शायद वह वही है जिनका तुमने मर्डर किया या उनकी फैमिली का कोई एक मेंबर। फिर उसके बाद में जेंग सोते टाइम सोच रहा होता है कि वह कौन हो सकता है। फिर उसे अंगूठी के बारे में याद आता है जहां पर उसे सब समझ में आ जाता है कि उसे क्यों मारा जा रहा है। और यहां पर जेंग के घर में एक लड़की होती है जिसे जेंग ने किडनैप किया होता है और फिर जेंग का दोस्त उसे किचन में ले जाता है और उसके साथ में गलत काम करता है। लेकिन उस लड़की के साथ में कुछ बुरा होने से पहले किम सू वहां पर आ जाता है। जेंग का दोस्त किम सू को देखकर हैरान हो जाता है और पूछता है कि तुम बिना किसी शोर शराबे के यहां तक कैसे आ गए और तुम्हें इस जगह का कैसे पता चला। लेकिन किम सू उसका कोई जवाब नहीं देता, उल्टा उसे लपेट देता है। और उनकी लड़ाई की आवाज सुनकर जेंग भी वहां पर आ जाता है और वह उस पर शूट करता है लेकिन वह बाल बाल बच जाता है। लेकिन किम सू उनमें से किसी को नहीं छोड़ता और वह जेंग के दोस्तों को बहुत बुरी तरह मारता है ताकि उनको उसकी पिटाई का एहसास हो। और यहाँ पर जेंग को भी बहुत बुरी तरह मारा जाता है। फिर हम देखते हैं कि अगली सुबह जेंग के घर पर पुलिस आ जाती है और वह उन सबको गिरफ्तार करके ले जाती है क्योंकि वह सारे जख्मी होते हैं तो पहले उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और किम सू को हॉस्पिटल में मिलने के लिए उसका दोस्त आता है जिसने उसे वह कैप्सूल दिया होता है। और यहाँ पर किम सू का दोस्त उससे पूछता है कि यार तुम उसको छोड़ क्यों नहीं देते। तो किम सू कहता है कि अभी नहीं, जब तक इसको सबक ना सिखा दिया जाए तब तक इसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अब उसके बाद में किम सू का दोस्त पूछता है कि मैंने जो तुम्हें कैप्सूल दिया था वह काम कर रहा है या नहीं। इस पर वह जवाब देता है कि हाँ वह अच्छे से काम कर रहा है। फिर किम सू का दोस्त उसे बताता है कि जब तक उसे कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी वह कैप्सूल काम करता रहेगा। और उनके पास में पड़ा हुआ जेंग सारी बातें सुन लेता है। फिर उसके बाद में जैसे ही किम सू जेंग के पास में जाता है तो वह ऐसे ड्रामे करके दिखाता है जैसे अभी तक वह बेहोश पड़ा हो। उसके बाद हम देखते हैं कि किम सू जेंग को एक ऐसी जगह पर छोड़ देता है जहां पर वह कुछ ऐसा करे जिसकी वजह से किम सू से सबक सिखा सके। लेकिन वह ऐसा कुछ भी नहीं करता क्योंकि वह जान चुका होता है कि उसकी बॉडी के अंदर GPS ट्रैकर लगा हुआ है और उसको पता होता है कि किम सू उसकी सारी बातों को सुन सकता है। तब वह कहता है कि मैंने पूरी जिंदगी में ऐसा खेल कभी नहीं खेला और मैं जानता हूं तुम मुझे सुन रहे हो। और जेंग यह भी कहता है कि मुझे इस खेल में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। फिर जेंग कुछ ऐसे फैक्ट बताता है जिन्हें सुनकर किम सू रह जाता है। वह बताता है कि मैं जानता हूँ तुम किस लड़की का बदला मुझसे ले रहे हो और मैं तुम्हें यह भी बताता हूँ कि उस दिन उस लड़की ने अपनी और अपने बच्चे की मुझसे भीख मांगी थी, शायद इस बात को तुम नहीं जानते। उसके बाद में जेंग उस ट्रैकर को अपनी बॉडी से निकालने के लिए एक मेडिकल स्टोर पर जाता है और वहां से लूज मोशन की मेडिसिन ले लेता है, जहां पर जेंग उस कैप्सूल को निकाल कर किसी और के पेट में डाल देता है। और जब तक जेंग वहां पर पहुंचता है तब तक किम सू को पता भी नहीं चलता और जेंग की बॉडी से ट्रांसमीटर निकलने के बाद किम सू को कोई आइडिया ही नहीं था कि
वह क्या करेगा। इसीलिए वह उसके दोस्त के पास में जाता है जो हॉस्पिटल में एडमिट होता है। जैंग का दोस्त किम्सू को बताता है कि मैं उसके दिमाग तो नहीं पढ़ सकता, मगर वह तुम्हारी मंगेतर की फैमिली को नुकसान जरूर पहुंचाएगा, और उसके बाद में तुम उसे पकड़ भी लोगे तो उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर हॉस्पिटल से निकलने के बाद किम्सू के दोस्त की कॉल आती है और वह बताता है कि जैंग ने अभी वायरलेस पर बताया है कि वह एक बहुत जरूरी काम करने वाला है, इसके बाद चाहे पुलिस उसे पकड़ ले उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर उधर किम्सू अपने दोस्त से जैंग की लोकेशन सेंड करने को कहता है और उस लोकेशन पर वह कार लेकर निकल जाता है। इसके बाद में किम्सू को जैंग की लोकेशन पता चल जाती है तो वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, और यहाँ पर उसे इस बात पर भी यकीन हो जाता है कि जैंग उसकी फैमिली को मारने वाला है। और किम्सू अपने मंगेतर के घर पहुँचता है तब देखता है कि जैंग ने उस लड़की के पिता की मार मार कर बुरी हालत कर दी है और उसकी बहन के साथ गलत काम करके मार दिया है, जिसके बाद में किम्सू को बहुत पछतावा होता है कि काश वह उसे पहले ही मार देता तो उसे आज यह मुसीबत नहीं देखनी पड़ती। और उधर जैंग अपने आप को पुलिस के हवाले करना चाहता है क्योंकि वह जानता है कि किम्सू उसे तड़पा तड़पा कर मारेगा, और वह पुलिस को कॉल करके अपनी लोकेशन बता देता है और उसी जगह पर जाकर वह खड़ा हो जाता है जहां पर पुलिस उसका पहले से इंतजार कर रही होती है। लेकिन वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होता जैसे जैंग ने सोचा था, और इससे पहले कि पुलिस उसे वहां पर पकड़ती किम्सू उसे चलती गाड़ी में घसीट कर ले जाता है और किम्सू उसे उसी घर में ले जाता है जहां पर जैंग ने किम्सू की मंगेतर को मारा था, और उसे वहां पर ले जाकर उसी जगह पर बांध देता है जहां पर वह सबको बांध कर मारा करता था। फिर किम्सू जैंग को बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है। इसके बाद में जैंग उस टॉर्चर से बहुत ज्यादा थक चुका था जहां पर वह उससे कहता है कि तुम मुझे मार क्यों नहीं देते, लेकिन किम्सू कहता है कि तुम्हारी मौत इतने आसान तरीके से नहीं है बल्कि ऐसी होगी जैसी मैं देने वाला हूँ, और यहाँ पर तुम अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द देखोगे। जैसा तुमने उन लोगों को तड़पाया तुम खुद उनसे ज्यादा तड़पोगे, और जो डर तुम लोगों को दिखाते थे उस डर का सामना भी तुम यहीं पर ही करोगे। फिर जैंग उससे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, तुमने मेरे साथ पहले ही बहुत बुरा किया है। जहाँ पर किम्सू से कहता है कि यह सब लफ्ज तुमने उन लोगों से सुने होंगे और आज तुम खुद इन लफ्जों को बोल रहे हो, तो बताओ तुम्हें आज कैसा लग रहा है। जहाँ पर जैंग किम्सू से कहता है कि मुझे दर्द नहीं होता और यह तुम पहले से ही जानते हो, और अब तुम मुझे मारो या ना मारो मुझे कोई परवाह नहीं। इसके बाद में किम्सू वहाँ से उठता है और एक रस्सी को दरवाजे पर बांध देता है और एक तरफ से रस्सी को उसके मुंह में डाल देता है, और जहाँ पर जैंग बैठा होता है उसी के सर के ऊपर एक बहुत बड़ी नुकीली ब्लेड लगी होती है, मतलब कि अगर जैंग कुछ भी बोलने की कोशिश करेगा तो रस्सी उसके मुंह से छूट जाएगी और वह मारा जाएगा, और अगर किसी ने दरवाजा भी खोला तो तब भी रस्सी टूट जाएगी और तब भी जैंग मारा ही जाएगा। किम्सू जैंग के घर वालों को फोन करके वहाँ पर बुला देता है और फिर वह किम्सू अपने घर की तरफ निकल जाता है, और उसके बाद में वहाँ पर एक टैक्सी आती है जिसमें जैंग के घर वाले उसे लेने आते हैं, और वह उन लोगों को रोकना चाहता है कि वह दरवाजा ना खोले, मगर वह सही से बोल नहीं सकता क्योंकि अगर वह बोल उठा तो वह मर जाएगा और अगर नहीं बोल उठा तब भी मर जाएगा। उसके बाद में उसकी फैमिली उस दरवाजे को खोलती है तब वह ब्लेड आकर उसकी गर्दन पर लगती है और उसका सर धड़ से अलग हो जाता है और वह ऑन द स्पॉट ही मर जाता है। और दोस्तों यहाँ पर किम्सू को वह सारी आवाज और वह सारा डर सुनाई देता है जो जैंग ने उसकी वाइफ को दिए होते हैं। उसके बाद किम्सू खुद को रोक नहीं पाता और वह बहुत ज्यादा इमोशनल होकर फड़फड़ाते हुए रोने लगता है। और दोस्तों इसी के साथ में मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों इस मूवी से इंस्पायर्ड होकर बॉलीवुड में कौन सी मूवी बनाई गई है वह आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो मूवी को लाइक कर देना और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू।